नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे जनरल टिकट काटने को लेकर जो है रेलवे ने एक बड़ी अच्छी व्यवस्था जो है वह की है। हम आगे इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर वो कौन सी व्यवस्था है जिसके तहत रेलवे की यात्रा करने वालों को जो जनरल टिकट से यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए क्या आसानी प्रक्रिया है। अब आप रेल से यात्रा करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है टिकट लेने में, क्योंकि टिकट लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती है। ऐसे में यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मेट्रो कार्ड के तर्ज पर कार्ड जारी किया जाएगा। इसी कार्ड के माध्यम से यात्री ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन से टिकट ले सकेंगे। बता दें कि इस सुविधा की शुरुआत पटना जंक्शन से नए साल में हो रही है। बता दें कि इस मेट्रो कार्ड टिकट पटना जंक्शन के साथ साथ दानापुर मंडल के 3 स्टेशनों पर होगी। मेट्रो टिकट के बारे में बताते हुए वरीय अधिकारी ने कहा कि पटना जंक्शन पर नए साल के पहले या फिर दूसरे महीने में मशीन का टिकट मिलने लगेगा। बता दें कि यह टिकट पटना जंक्शन के साथ राजेंद्र नगर टर्मिनल, पाटलिपुत्र जंक्शन और दानापुर स्टेशन पर लगाया जाएगा। इन स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को इस मेट्रो कार्ड का लाभ जो है वो उठा सकते हैं। इस कार्ड को लेकर बताया जा रहा है कि ATM कार्ड की तरह एक कार्ड जारी किया जाएगा जिसे आपको रिचार्ज करवाना होगा। जब आप अपने कार्ड को मशीन में स्वाइप अप करेंगे तो आपको यात्रा प्रारंभ से गंतव्य स्टेशन के बीच का विकल्प आपके सामने होगा। इसके बाद आप उसे फुलफिल करेंगे और सामान्य टिकट आप उसे आसानी से काट सकते हैं, या फिर हम कहें कि जनरल टिकट जो आप काउंटर से लेते थे वो आप उस मशीन के द्वारा ले सकते हैं। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत पटना समेत 4 स्टेशनों से इसकी शुरुआत की जा रही है। वहीं इस सुविधा से अब यात्रियों को टिकट काउंटर पर लाइन का इंतज़ार करने से जो है राहत मिलेगी। साथ ही साथ यात्रियों को टिकट काउंटर पर चेंज वाले पैसे का झमेला जो है उससे भी उनको निजात मिल जाएगा। इस कार्ड को लेकर बोलते हुए दानापुर DRM प्रभात कुमार ने बताया कि इस तरह की सुविधा से लोगों को रेलवे पर भरोसा बढ़ेगा, यात्रियों को अब पहले से अधिक सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि खासकर पटना, राजेंद्र नगर, दानापुर और पाटलिपुत्र जैसे स्टेशन पर यात्रा करने वाले लाखों लोगों को पर्व के समय भीड़भाड़ की स्थिति से जो है अब उन्हें निजात मिलेगी। आपको बता दें कि मेट्रो कार्ड के टिकट कटने वाली मशीन इन 4 स्टेशनों पर 14 मशीनें लगाई जाएंगी, यानी कि जो 4 स्टेशन है दानापुर, पटना जंक्शन, पाटलिपुत्र और राजेंद्र नगर, इन स्टेशनों पर जो है 14 मशीनें लगाई जाएंगी। इनमें से 3 मशीन पटना जंक्शन पर जो है हनुमान मंदिर के छोर पर लगाया जाएगा और 2 मशीन जो है करबीगहिया के छोर पर, और 1 मशीन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास जहां टिकट कटता है उसके पास में ही जो है 1 मशीन लगाया जाएगा। बाकी बचे हुए मशीनों को, जैसे कि 9 मशीन अब बच गए, तो उनको उन मशीनों को जो है दानापुर, राजेंद्र नगर और पाटलिपुत्र स्टेशन पे लगाया जाएगा। ये मशीनें पटना जंक्शन में आ गई हैं। बहुत ही जल्द इसका कनेक्शन रेलवे के सर्वर से जोड़ दिया जाएगा। संबंधित कंपनी को मशीन इंस्टॉल करने के लिए भी कह दिया गया है। तो ऐसे में अगर आप रेलवे में जनरल की यात्रा करना चाहते हैं और लंबी लंबी लाइनों से बचना चाहते हैं टिकट कटवाने के समय, तो आप जो है इस मेट्रो कार्ड जो कि रेलवे की तरफ से जारी किया जाने वाला है इसको आप ले सकते हैं, ताकि जो है अगर आप जनरल की यात्रा करना चाहते हैं तो आप यहां से आसानी से अपना टिकट कटवा सकते हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।